गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी? आप सभी के कैसे हैं? आप सभी लोग, सभी का स्वागत है दोस्तों। प्लस क्लास ये आपकी है और ये इस साल की आपकी आखिरी प्लस क्लास होने वाली है। इसके बाद जो है मैं आपको दो स्पेशल क्लासेस दूंगा। एक जो है कल होगी आपकी शाम को 8 बजे और दूसरी जो है होगी परसों सुबह 10 बजे। वो दोनों क्लासेस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है आपके लिए और इसके बाद हम लोग 4 जनवरी के आसपास मिलेंगे। आपके सामने स्केड्यूल ऑलरेडी होगा 4, 5, उसके बाद आई थिंक 9 तारीख के आसपास मैंने दो क्लासेस और जो है ऐड कराई है। बाकी जो स्केड्यूल है मैं आने वाले समय में खुद ही अपडेट करता रहूंगा। आपको शुरू के कुछ समय का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। टेक्निकली ब्रेक आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगा और करीब 4-5 दिन के लिए चलेगा। बस कल परसों मैं आपसे 1-1 घंटे या आधे आधे या पौने पौने घंटे के लिए मिलूंगा और उसके बाद 2-3 दिन का आपको आराम मिलेगा। उसके बाद हम जनवरी की क्लासेस को है जो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं जी हमारी कहानी। और ये वाली जो क्लास है आपकी करीब 1 से 1.25 घंटे की होगी। बस इतनी सी ही मैं आपकी क्लास लूंगा। उसके अंदर जो मुझे पढ़ाना था इस साल का जो मैंने प्लान बनाया था वो पूरा हो जाएगा, बिकॉज पिछली कुछ क्लासेस में हमारी स्पीड काफी अच्छी चल रही है तो हम उतना पोर्शन पूरा करके बाकी पोर्शन आने वाली क्लास में करेंगे। तो मान के चलिए ये क्लास आपकी 11 बजे के आसपास एंड हो जाएगी, प्लस 5-10 मिनट्स। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं कहानी। और क्योंकि ये क्लास जल्दी एंड होगी तो मैं इस क्लास में डाउट भी नहीं लूंगा। फिर भी आप भेज दीजिए, देखते हैं एंड में कैसे चलता है। मैं एडवांस में बता रहा हूँ, हो सकता है मैं इस क्लास में कोई भी डाउट ना लूं। फिर भी अगर चाहो भेज सकते हो, बट इस सोच के साथ ही भेजना कि हो सकता है डाउट्स इस क्लास में ना लिए जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है बताया था कि एक डाउट मेरे पास आया है, मैं क्वेश्चन टैब बंद कर देता हूँ, जो आया है वो लेके चले जाऊंगा और बाकी जो है बाद में देखते हैं। ठीक है जी, चलो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिल का क्या करते हैं प्रेसिडेंट, है ना? आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रेसिडेंट वाले पॉइंट पे आप आर्टिकल नंबर 111 ऊपर लिख लीजिए, वो आई थिंक मैंने वहां पे नहीं लिखा था। गवर्नर का तो मैंने लिख दिया था, प्रेसिडेंट वाले में लिख सकते हैं आपकी आर्टिकल नंबर 111, ये आप वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एक्चुअली वीटो पावर आपको ऑलरेडी आती है, बट स्टिल एग्जाम क्या करता है, डायरेक्टली पूछता है, तो थोड़ा सा मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, 4 तरह की वीटो होती है। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट, देखो सुनो, प्रेसिडेंट क्या करता है, एसेंट दे सकता है और विदहोल्ड कर सकता है। ये पूरे 4 पॉइंट लिखे ना, इसमें ऊपर लिख देना यहाँ पे आर्टिकल 111। बस प्रेसिडेंट बिल का क्या करता है जी, वापसी भेज सकता है, विदहोल्ड कर सकता है ना, वो वाला जो आपका पन्ना है जो नॉर्मल बिल का, वहां पर आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, अब सभी लोग इधर फोकस करेंगे। वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए 4 तरीके की वीटो पावर होती है किसी भी प्रेसिडेंट के पास। जो 200 और 201 है वो स्टेट गवर्नमेंट वाला पॉइंट है कि गवर्नर अगर आगे भेजेगा तो क्या होगा। उससे ठीक पहले जहां पर मैंने आपको प्रेसिडेंट का यूनियन बिल से कनेक्शन पढ़ा है, वहां पर आपको 111 लिखना है। प्रेसिडेंट जो यूनियन यानी पार्लियामेंट के बिल के साथ करता है, के बिल वाला जो मैटर है, वहां पर आपको इसे लिखना है। ठीक है, अब सभी लोग इधर फोकस करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, फोकस बनाइए क्लास की तरफ। वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नाम पूछे जाते हैं। देखिए, 4 तरह की वीटो पावर होती है। कौन कौन सी 4 होती है? एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है क्वालिफाइड वीटो, एक होती है सस्पेंसिव और एक होती है पॉकेट। ये 4 तरह की वीटो पावर होती है किसी के पास भी। इसमें जो भारत के राष्ट्रपति है उनके पास जो है एक एब्सोल्यूट वीटो है, एक सस्पेंसिव वीटो है और एक पॉकेट वीटो है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, याद रखेंगे, पहले इसे नोट करिए, फिर चारों का मतलब प्रॉपरली समझाऊंगा, चिंता मत करिए। यानी इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस क्वालिफाइड वीटो। ये क्या होती है अभी आपको समझा देता हूँ। बैकग्राउंड नॉइस आई होगी बीच में थोड़ी सी, अब वो खत्म हो चुकी है। प्रद्युमन ट्राई कर सकते हैं, समझ आ जाए तो, वैसे आ जाएगा क्योंकि 5 ही मिनट में मैं इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाने वाला हूँ, तो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। बैकग्राउंड नॉइस रहेगी 1/2 मिनट के आसपास, कोई बाहर जो है बिल्डिंग के बाहर जो है कोई सर्दियों के लिए आई थिंक लकड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं जिससे कि उन्हें ठंड में उनका गुजारा हो जाए, तो ऐसी चीज़ों में टोकना टकाना मुझे सही नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक वो बाहर बैठे हैं उनके लिए ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल है, तो इतना कोऑपरेशन तो द लीस्ट वी कैन डू, है ना। रेगुलर वीटो सस्पेंसिव, मैं चिराग चारों को समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, नोट कर लिया आपने? अब सभी लोग फोकस करेंगे, मैं आपके लिए कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। एक्सप्लेनेशन, मैं पहले ही बता रहा हूँ पेपर ना यहीं से पूछता है, पेपर यही सवाल पूछता है बार बार, इंडियन के पास कौन सी नहीं है, तो रट्टे मारने हो तो इस पेज पर रट्टा मार के खत्म करना, फिर भी समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ है क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है आपको याद होगा, इसके अंदर क्या था जी, हमने विदहोल्ड कर लिया था बिल, याद है ना आपको, लिख देता हूँ पावर टू विदहोल्ड द बिल
ये ध्यान रखेंगे, पावर टू विदहोल्ड द बिल, विदहोल्ड करने पे वो कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, द बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। ठीक है, अब ऐसा क्यों कोई करेगा? मान लेते हैं कि लोकसभा में एक बिल मूव हुआ, ठीक है, लोकसभा से वो पास हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जब तक वो पास हो रहा था तब तक लोकसभा खत्म हो गई और नई सरकार बन गई। अब नई सरकार बन गई तो क्या नई सरकार के हिसाब से प्रेसिडेंट को चलना पड़ेगा? बिल्कुल, हमने पढ़ा है ये चीज। अब जब तक राज्यसभा से भी पास हो गया तो टेक्निकली लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है, बट जो करंट लोकसभा है हो सकता है उसे वो बिल पसंद में ना आए, तो उस वजह से हो सकता है कि उस बिल को विदहोल्ड करके खत्म कर दिया जाए, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से एक्ट बनने चाहिए। आपको ये समझ आया एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? इसमें बिल कहीं नहीं जाएगा, बस पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। दूसरे नंबर पे है दोस्तों सस्पेंसिव या क्वालिफाइड, ही बताते हैं पहले क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड नहीं है, बाकी है क्वालिफाइड वीटो। ये क्या होता है? कैन बी ओवर रिडन बाय लेजिस्लेचर विद हायर मेजोरिटी। नोट नहीं हुआ, जल्दी जल्दी नोट करिए। यस काजल जी, बट पेपर में क्या होता है ना, कभी कभार वो नाम दे देता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द बिल इज नोन एज क्या, तो वहां ऑप्शन में ये चार नाम देगा, तो ये भी आप लोग आंसर दे पाए, इसकी वजह से थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर रहा हूं। क्वालिफाइड वीटो, एग्जैक्ट हिंदी शब्द हितेश माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पे नहीं आपको बता पाऊंगा, ये आपको थोड़ा खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ध्यान रखना। विच ओवर, ये जो क्वालिफाइड वीटो है, दिस कैन बी ओवररिडन बाय लेजिस्लेचर विद हायर मेजोरिटी। इसका मतलब आपको समझा दूंगा सस्पेंसिव वीटो के बाद, ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। तीसरे नंबर पे है सस्पेंसिव वीटो, कैन बी ओवररिडन, ओवररिडन मतलब उसके ऊपर नया फैसला, ओवरराइड करना मतलब पिछले फैसले को खत्म करके नया फैसला देना, ऐसा लिख लीजिए। दिस कैन बी, यहाँ पे भी लिख लीजिए, दिस कैन बी ओवररिडन बाय लेजिस्लेचर विद ऑर्डिनरी मेजोरिटी। आपने नोटिस करा होगा जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल करा है, बड़ा स्मार्टली करा है, हायर और ऑर्डिनरी, ना कि स्पेशल और सिंपल। हम पढ़ते हैं स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी, आगे चल के हम पढ़ेंगे, मैंने वो शब्द नहीं लिखे, मैंने लिखा है ऑर्डिनरी और हायर। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमने पढ़ा था कि बिल को या तो पास करा जा सकता है, या विदहोल्ड करा जा सकता है, या फिर रिटर्न करा जा सकता है। विदहोल्ड वाला केस हमने पढ़ लिया पहले नंबर पे, एसेंट वाला केस हम पढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज उसमें तो पास ही हो गया। ये है सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या है कि मान लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा ने एक बिल पास करा, वो गया जी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेज दिया और लोकसभा राज्यसभा ने उसे फिर से पास करा। यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट लिख देता हूँ आपके लिए, तो क्या अब प्रेसिडेंट को उसे पास करना ही पड़ेगा? बट एक छोटा सा पॉइंट टू बी नोटेड, केस वन में जो भी मेजोरिटी चाहिए थी, मान लेते हैं सिंपल, मान लेते हैं स्पेशल, अलग अलग बिल पे डिपेंड करता है, सिंपल मान लेते हैं अभी के लिए। केस टू में सेम लेवल की मेजोरिटी लगेगी, यानी बिल अगर पहले चक्कर में सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ था तो उसे दोबारा भी सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना होगा। आप समझ पाए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? ये है आपका सस्पेंसिव वीटो। यूएस के जो राष्ट्रपति है उसके पास है क्वालिफाइड वीटो, यानी अगर एक बार बिल पास हो गया है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी होती है 50% जितने लोग आए हैं उनके हिसाब से, और प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, तो अगली बार उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर आना पड़ेगा।
फर्क समझ पा रहे हैं? सस्पेंसिव में जैसे पहले आया वैसे ही दोबारा पास हुआ, और जो आपका क्वालिफाइड है इसमें दूसरी बार हाइयर लेवल ऑफ मेजोरिटी से पास होना पड़ता है। मान लेते हैं पहली बार में जब लोकसभा ने इसे पास करा था तो ये रूल था जी जितने लोग आए हैं उनमें आधे से ज्यादा हाँ कर दो। सेम रूल राज्यसभा में था। तो इंडिया में क्या होता है कि जब वो दोबारा बिल वहां गया है तो फिर से सेम ही रूल लागू होगा कि जितने आए हैं उसका आधे से ज्यादा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है उसे और मुश्किल बना दिया जाता है बिकॉज प्रेसिडेंट ने उसे वापस भेजा है। क्या आपको फर्क समझ में आया हायर और ऑर्डिनरी के अंदर क्या फर्क है? ऑर्डिनरी का मतलब जो पहले ही था वही दोबारा पूरा प्रोसेस चलेगा, और क्वालिफाइड में एक लेवल ऊपर हो जाएगा बिकॉज प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है। ज्यादा से आगे तो बहुत अच्छा है शिवानी जी, ये मेजोरिटी अचीव करना तो एक कट ऑफ है। अगर वो कट ऑफ आप पहली बार में जो भी आपकी कट ऑफ थी सेम ही कट ऑफ अगली बार भी रहेगी, उससे ज्यादा आ गया वेल एंड गुड, कम आ गया तो फिर मेजोरिटी आएगी नहीं तो बिल प्रेजिडेंट तक पहुंचेगा नहीं। समझ आया आप लोगों को? अब चौथे नंबर पे है दोस्तों पॉकेट वीटो। टेकिंग मींस टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल। नोट करिए फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। बिल्कुल सही सुमैया जी, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। यहाँ पर जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो ज्यादा मतलब जान कैरी करते हैं बिकॉज यूएस में प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर बिल वापस भेजना ही भेजना है, चाहे तुम हाँ करो चाहे तुम ना करो, बट बिल अपने पास नहीं रोक सकते है ना। नीता जी काम करूंगा चारों दोबारा समझा दूंगा, पहले इसे समझो। इसमें क्या है, मैंने दराज खोल के बिल उसके अंदर डाल दिया। पहले केस में मैंने मना करा था, नोटिस करो, मैंने विदहोल्ड करा, दैट इज मैंने मना करा, बिल एंड हो गया, क्लियर स्टांस मेरा आ गया, मैंने बता दिया कि भैया ये नहीं पास होगा। दूसरे तीसरे केस में मैंने बिल वापस भेजा था। चौथे केस में ना ही मैंने हाँ करी ना ही मैंने ना करी, मैंने मैसेज रीड करके छोड़ दिया बस, ना ही मैंने कहा मैं पार्टी में आऊंगा ना ही मैंने मना करा। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? पॉकेट वीटो में चीजें होल्ड पर चली जाती है, ना ही हाँ हुई ना ही ना हुई। नहीं, विद होल्ड में क्लियर स्टांस आ जाता है कि बिल खत्म, इसमें क्लियर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक केस है बड़ा स्पेशल, राजीव गांधी जी की सरकार बनी थी, आपको याद होगा या पता होगा, याद तो फिर क्या होगा, तब आप थे ही नहीं इस दुनिया में। तो 1984 में इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार आई थी, कुछ समय के लिए रही थी, ठीक है। और 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने एक बिल पेश करा था, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, डिटेल में नहीं जाएंगे, SSC है बस अपना, ठीक है। ये एक बिल आया था और उस ये बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या करना था जी, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या जो प्रेस के पास होता है ना कि फ्रीडम होती है पूरी, उसे थोड़ा सा मतलब माना जाता है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी गई थी। तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जैल सिंह जी, इन्होंने इस बिल पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा था और दराज खोल के इस बिल को उसमें रख दिया था। दराज खोल के ऐसा मैंने देखा नहीं था, गया नहीं था वहां, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद जब चीजें बदल गई, अगले जो है प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन जी, उन्होंने इस बिल को वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए, बट तब तक चीजें खत्म हो गई थी और ये बिल कभी भी पास नहीं हुआ, ड्रॉप हो गया। आप समझ पा रहे हैं, यानी 1986 का बिल 1989 में जो दूसरे राष्ट्रपति आए उन्होंने उसे वापस भेजा। फर्क समझे दोनों में? इसमें भले ही वो दराज में पड़ा रह गया लेकिन अगला पर्सन जब आएगा तो हो सकता है उसे लगे ये बिल सही है तो वो वापस भेज सकते हैं, या अगले पर्सन आके उस पर हाँ कर सकते हैं। पहले में विदहोल्ड, विदहोल्ड मीन्स टू एंड द वैल्यू ऑफ दैट बिल, द बिल विल नॉट बिकम एन एक्ट। इसमें चीजें होल्ड पर है, ना ही हाँ है ना ही ना है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये आप नोट पढ़िए, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, क्लियर है कि क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चल रही है, वो डेटा है जो थोड़ा सा हाई लेवल है तो जनरली आपको इतना डिटेल में हो सकता है ना पढ़ाया जाए, बट मैं पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट पिछली बार मैंने इसे इतना डिटेल में इस पोर्शन के साथ नहीं पढ़ाया था, इस बार मैंने इसे साथ में ही पढ़ा दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है जी। नीरज ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, जब उन्हें लगे तब यूज कर सकते हैं, उनकी पावर है। प्रेसिडेंट मना, नहीं 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 आप दोबारा समझिए, प्रेसिडेंट मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकता है,
मैं एक काम करता हूँ, चारों दोबारा समझाता हूँ। आप अपने पिछली क्लास के नोट्स खोलिए, उसमें क्या क्या लिखा है। एक लिखा है कि बिल वापस जा सकता है, एक लिखा होगा बिल पे हामी आ सकती है, एक लिखा होगा बिल मना हो सकता है। इसमें बिल अगर पास हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, वापसी जाने के केस में उसे सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करना होगा। सस्पेंसिव वीटो में वो वापस आएगा और दूसरी बार वो मना नहीं कर सकते, पास करना ही पड़ेगा। विदहोल्ड के केस में उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर लिया, और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं करा तो वो पॉकेट वीटो हो गया। ये पिछली क्लास से डिफरेंट नहीं है कंटेंट, पिछली क्लास की फ्रेमिंग चेंज करी है, बिकॉज इस तरीके से भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को बंद करके कैसा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि बेहतरीन है। कमलेश जी, जो अभी मैंने आपको समझाया ये सिर्फ एक आर्टिकल का कंटेंट नहीं है, ओवरऑल प्रेजिडेंट एज अ टॉपिक उसके अंदर कैरी करता है। आर्टिकल 111 में जो लिखा है वो इससे मेल खाता है। जैसे आर्टिकल 111 में आपको कहीं पे भी क्वालिफाइड वीटो शायद ना मिले, तो ये जो कंटेंट है एक्जैक्ट आर्टिकल से नहीं उठाया बट ओवरऑल संविधान से उठाया है। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। मतलब मैं बहुत श्योर हूं कि आपने जितनी बार भी जहां से भी ये पढ़ा होगा, शायद आपको मतलब आज जो कंटेंट मिलेगा उसमें आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, और कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ऐसा नहीं कि बैठे हैं और 10 सेशन तक एक ही बात कर रहे हैं, सीधा एसएससी ओरिएंटेड मुद्दे की बात करी जाएगी। जितने आपके दिमाग में डाउट्स होंगे ना इससे एसोसिएटेड, सब क्लियर करने की मेरी कोशिश रहेगी। आगे चलते हैं। चिराग होने को हो सकता है, देखिए बिल एक बार वापस, अच्छा एक बार सस्पेंसिव हो गया है तो फिर नहीं हो सकता ना, तो उसे पास करना पड़ेगा। बाकी अगेन देखिए ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, करने को वो कर सकते हैं। आप अगर संविधान चिराग पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा कि मना नहीं कर सकते, बट मना थोड़ी करा है ना। अगेन ये देखिए चीजें ओपन एंडेड है, संविधान को फ्लेक्सिबल रखा गया है सिचुएशन के हिसाब से, तो कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग पावर एंड में इंसान होना चाहिए, इसलिए चीजों को थोड़ा थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ा गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस तरफ इमरजेंसी प्रोविजंस। एक मेरा सजेशन है, इसे मैं आगे जाके ऑर्डर में बदल दूंगा, तो सजेशन लेवल पे मान जाना, बीच में मत पूछना कुछ भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता होता है तो बीच में क्या करते हैं, आगे भागते हैं। उससे नुकसान एक ही इंसान का है, वो है आपका, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका फ्लो टूटेगा और एग्जाम में आने वाले सवालों से हो सकता है आप थोड़े से भटक जाए। शुरू करता हूँ जी कहानी, हेडिंग डाली इमरजेंसी प्रोविजन। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि इमरजेंसी प्रोविजन डिक्लेयर करने की क्षमता प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये आपका आता है दोस्तों पार्ट नंबर 18 में और आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत। 352 में है नेशनल इमरजेंसी जो आज तक 3 times लगी है, 356 में है प्रेसिडेंट्स रूल जो कि मैनी मैनी टाइम्स लगा है, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि 0 times अभी तक कभी भी कहीं पर भी ये नहीं लगी है, 0 times। एंड में एक मास्टर टेबल बनवाऊंगा, उससे जो चीजें अभी आपको एंड तक भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, ठीक है जी, चलिए 352, 356, 360। सुमैया जी ने वही करा जिसका मुझे डर था। अब डर सुमैया जी का होना चाहिए कि सर पता नहीं मुझे क्या कह देंगे, दोबारा मत करिएगा। ठीक है, आप अपने हैं इसलिए आराम से समझा रहा हूँ, सब कवर करा दूंगा, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा कोर्स का, प्लस लिया है ना, अपने ही कोर्स से पूरा पैसा वसूल करा दूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से नोट करिए। हाँ हाँ, आराम से नोट करिए। यस दिशा जी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले लगी है 3 times 1962 में, जब हमारा चाइना से वॉर हुआ था,
1971 में जब हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था, लिख देता हूँ, इंडो चाइना वॉर 1971 में, इंडो पाक वॉर, और 1975 में यह है इंटरनल डिस्टरबेंस। नोट करिए, मैं आगे चलता हूँ। अब नेशनल इमरजेंसी जो है तीन केसेस में लग सकती है। थोड़ा आज स्पीड आपको बनानी होगी सुमैया जी, कोई बात नहीं, बस अपना नुकसान हमें खुद नहीं करना। टॉपिक पूरा होने के बाद डाउट्स आने चाहिए, बीच में नहीं। अब सोचिए, जो इंसान इतना डिटेल में पढ़ाता है वो इतनी बेसिक सी चीज में थोड़ी कर देगा, पढ़ाएगा ही। अब नेशनल इमरजेंसी को मैं हर जगह एनई लिखूंगा क्योंकि अपने पास है समय की कमी। एनई जो है वो थ्री रीजन से लग सकती है। वो थ्री रीजन है, पहला एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही याद करना है क्योंकि संविधान में ऐसे लिखा गया है। दूसरे नंबर पे है वॉर, और तीसरे नंबर पे है आर्म्ड रेबेलियन। इसमें जो पहले दो हैं इन्हें बोला जाता है, या ये कैटेगरी है एक्सटर्नल इमरजेंसी की, यानी देश के बाहर से कुछ देश को खतरा है, और ये है इंटरनल इमरजेंसी जिसमें देश के अंदर से कुछ खतरा है। मैं पॉइंट्स साथ साथ लिखता हूं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी कोई सी भी, मतलब वैसे तो यहाँ नेशनल से जुड़ा है बट इन जनरल कोई सी भी, इवन इफ एक्चुअल वॉर इज नॉट टेकिंग प्लेस। याद रखेंगे, जरूरी नहीं है वॉर शुरू होने के बाद ही डिक्लेयर हो, प्रेसिडेंट को बस महसूस होना चाहिए कि नीड है, वो डिक्लेयर कर देंगे। सबसे ज्यादा कंटेंट नेशनल इमरजेंसी में ही है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल में बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, इसे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एक अमेंडमेंट आया था दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, तीन इमरजेंसीज आपको यहाँ पर मैंने अभी पढ़ाई। इसमें जो 1975 वाली इमरजेंसी है ना, सबसे ज्यादा डिबेटेबल ये इमरजेंसी है कि क्या सच में इसकी जरूरत थी। ये इंदिरा गांधी जी के समय लगाई गई थी, और मैं चलिए ऐसे ओरली बताता हूँ। और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो है हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और ये इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट जो है चेंज हो गई थी, और उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, जिसने जो है इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल कर दिया था, इतना मुश्किल कि उसके बाद आज तक कभी इमरजेंसी लगी ही नहीं। तो याद रखेंगे काफी सारे चेंजेस हुए हैं 1978 के 44th अमेंडमेंट में, ये आप ध्यान रखेंगे, और कुछ चेंजेस हुए हैं 1975-76 में, वो इमरजेंसी वाला दौर था। तो 75-76 में जो चेंजेस हुए हैं उनको काटा गया है जनरली थोड़े बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही, 44th अमेंडमेंट में, यानी 42nd 1976 में आया था, वो अलग चीज है, और 44th जो है वो इमरजेंसी को मुश्किल बनाएगा लगाना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। 38th अमेंडमेंट ऑफ 1975 में कहा गया प्रेसिडेंट कैन इशू फ्रेश proclamations during national emergency। proclamations का मतलब है फैसले, orders, directions, declarations, वो ये सब कर सकते हैं। 42nd amendment act of 1976 में काफी कुछ कहा गया, एक्चुअली इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, हम आगे चल के इसे पढ़ेंगे भी, 42nd amendment को, ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, मैं सब जगह एनी लिखूंगा तो ध्यान रखना, इवन टू अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये बड़ा अच्छा मूव है। देखिए, अगर मान लेते हैं चाइना से हमारा वॉर हो रहा है, तो उसमें केरला को स्ट्रेस लेने की हो सकता है नीड ना हो, हो सकता है हो कि अगर मान लेते हैं पानी के रास्ते भी युद्ध हो रहा है, बट मे बी शायद ना हो, तो अननेसेसरली हम पूरे भारत को परेशान करके उस मोड में डाले, वो सही नहीं है। तो जहां जहां पे प्रेसिडेंट को लगता है इमरजेंसी डिक्लेयर करी जानी चाहिए, वो वहां वहां पे कर सकते हैं। ये कहा गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के तहत। पेपर क्या करेगा, पेपर आपको स्टेटमेंट देगा और कहेगा ये बताओ कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा गया था। ऐसे ऊपर वाला स्टेटमेंट देगा, कहेगा बताओ कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा गया था।
अब जो आखिरी वाली इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 वाली, वो माना जाता है कि बहुत जल्दबाजी में डिक्लेयर कर दी गई थी, शायद उसके बिना भी काम चल सकता था। लेकिन देखिए ये डिबेट्स हैं जिसमें अपन जो है नहीं जाएंगे, हम बस ये समझेंगे कि हो सकता है वो इग्नोर हम कर सकते थे मे बी। तो जब बाद में चेंजेस आए तो बाद में कहा गया, 1978 में कमेंडमेंट आया जिसमें कहा गया भी अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, कैबिनेट कहेगी तो ही जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी। बिकॉज माना जाता है कि प्रधानमंत्री के अलावा शायद ही किसी को पता था कि इमरजेंसी डिक्लेयर होनी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करा और पूरा देश जो है इमरजेंसी कंडीशन में आ गया था। ठीक है, 38 वाला नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ प्रशांत। मान लेते हैं आज इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और प्रेसिडेंट ने कहा कि यूपी में और मान लेते हैं राजस्थान में इमरजेंसी लग जाए, तो इस अमेंडमेंट के तहत कल वो चाहे तो दिल्ली में भी लगा सकते हैं, परसों वो चाहे तो जम्मू कश्मीर में भी लगा सकते हैं। यानी वो नए नए फैसले रोज रोज दे सकते हैं, समझ गए? यानी फ्रेश ऑर्डर्स, डिक्लेरेशंस, डायरेक्शंस प्रेसिडेंट दे सकते हैं, जो कि आई थिंक एक सही चीज है। कंडीशन के हिसाब से चेंज आना चाहिए। 42nd वाला कह रहा है कि पूरे भारत में एक साथ इमरजेंसी लगाना जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत है बस वहां पे लगा दिया जाए। आगे चलते हैं, एक शब्द है इंटरनल डिस्टरबेंस, यहां पर आपने कहीं नहीं पढ़ा उसे, उसकी जगह लिखा है आर्म रेबेलियन, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस जो शब्द है उसे हटा दिया गया है। पहले इंटरनल डिस्टरबेंस कहा जाता था, इसे रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रेबेलियन, क्योंकि ऊपर वाला टर्म माना जाता है इसका कोई खास मतलब नहीं है। इंटरनल डिस्टरबेंस, कैसा डिस्टरबेंस कुछ नहीं पता, तो सेकंड वाले टर्म का ज्यादा सेंस बनता है कि एक तो रेबेलियन है, लोग बागी हो गए हैं, और आर्म्ड यानी हथियार लेके, तो ये एक टर्म अब इस्तेमाल करा जाता है। अब ये जो चेंज है, नहीं सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसमें आर्म्ड है यानी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, और ये डिस्टरबेंस है, ये रेबेलियन है, ये बगावत पे लोग उतर आए हैं, और ये चेंज करा गया होगा किससे? 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 बाद में करा गया होगा ना ये चेंज। ठीक है, नोट करिए, बिल्कुल राहुल, 38, 42 अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं पूरे तरीके। वो तो एक पेज पे लिखा गया क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट है। फ्रेश प्रोक्लेमेशंस कई तरीके की हो सकती है, नोट आपको आज थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशंस फ्रॉम कैबिनेट। ये पॉइंट ऐड करा गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। अगेन वही रीजन जो आपको बताया गया था, जो कहानी सुनाई है। देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती थी ओरिजिनली, मैं लिख देता हूँ आपके लिए अगले पेज पे। ओरिजिनली डिक्लेरेशन ऑफ, अच्छा नोट कर रहे हैं आप, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करी जा सकती थी। ओनली से पहले क्या लिखा है, नेशनल इमरजेंसी है ना, एनी, कई जगह मैं ये एनी लिखूंगा, बार बार नहीं लिख सकते ना। ओरिजिनली डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये बिना बात लगा दी गई है तो जुडिशरी चाहे तो उसे हटा सकती है ना। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फिर उसके बाद क्या आया, 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 आया, जिसने कहा डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू है, यानी जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। और उसके बाद आया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, जिसने कहा नेशनल इमरजेंसी जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। यानी ओरिजिनल केस को फिर से लगा दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा।
बिल्कुल सवाल नहीं समझा। अगर आप ये पूछ रहे हैं कितने समय के लिए मिनिमम ये वो, तो वो सब आपको आगे जाके बताया जाएगा। वैसे मिनिमम का कोई टाइम नहीं है, 78 है। सही करा आपने, करेक्शन कराया आशुतोष। समझ पा रहे हैं, यानी जो पहले था वही आज है। इम्यून का मतलब जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, हम इम्यून है फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारी इम्यूनिटी मजबूत है। इसका मतलब बैक्टीरिया हम पे अटैक करेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। ऐसे ही जुडिशरी से कोई चीज इम्यून हो गई, यानी जुडिशरी अब उसका कुछ नहीं कर सकती। चलिए आगे चलता हूं। जी हाँ, कोई रिव्यू नहीं हो सकता। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। प्रोक्लेमेशन यानी डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month, 2 महीने पहले 2 महीने था, 2 महीने से 1 महीना करा गया है 44th amendment of 1978 के द्वारा। यानी प्रेसिडेंट ने आज डिक्लेयर कर दिया, तो आज से 1 महीने के अंदर अंदर पूरा पार्लियामेंट हाँ में हाँ भरेगा, तभी जाके टिकेगी, वरना हट जाएगी अपने आप 1 महीना होते ही। अब इसमें भी तो क्लॉजेस हैं कि मान लेते हैं लोकसभा ही नहीं है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और लोकसभा खत्म हो गई किसी वजह से, तो क्या होगा? तो सिर्फ राज्यसभा का अप्रूवल चल जाएगा आफ्टर अनाउंसमेंट। यस, आज डिक्लेयर हुई इमरजेंसी तो आज से 1 महीना। हाँ हाँ भेजिए भेजिए। लास्ट लाइन समझा देता हूं। देखिए, पहले इमरजेंसी जो है वो जब लगती थी उसके बाद 2 महीने का समय मिलता था पार्लियामेंट को उसे अप्रूव करने के लिए, बट आज का समय जो है उसमें 1 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये आपको बताया गया है कि पहले 2 से आज 1 जो बना है वो कौन से अमेंडमेंट से बना है। पेपर अगर पूछता है कि ये कंडीशन कौन से अमेंडमेंट में लगाई गई थी, तो आप आंसर दे सकते हैं। कर लिया जी नोट आपने? चलूं आगे। चलिए, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा ओनली इज एनफ provided Lok Sabha approves it within 30 days of its formation. अभी समझाता हूँ। आप नोटिस करेंगे कहीं मैं 1 महीना लिख रहा हूँ, कहीं मैं 30 days लिख रहा हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, जैसा संविधान की शब्दावली है उसी को उठा रहा हूँ, जिससे पेपर में आपको कॉन्फिडेंस से टिक करने की हिम्मत मिले। ये क्या है, हमने कहा कि आज डिक्लेयर हुई, आज से 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पास होना चाहिए। मैं डिक्लेयर कर देता हूं पहले, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा ओनली इज एनफ, माफी चाहेंगे इज होगा ये, इज एनफ प्रोवाइडेड लोकसभा अप्रूव्स इट विद इन 30 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अगर आज डिक्लेयर हुई है तो डे नंबर 30 यानी 1 महीने के अंदर दोनों से अप्रूव होना चाहिए, बट मान लेते हैं लोकसभा है ही नहीं, तो इस 1 महीने के अंदर राज्यसभा अगर अप्रूव कर देगी तो बल्ले बल्ले है, तो ये चलती रहेगी। अब मान लेते हैं लोकसभा यहां पर बनी, तो यहां से 1 महीने के अंदर लोकसभा को अप्रूव करना पड़ेगा, समझ गए? यानी जब तक लोकसभा नहीं है तब तक राज्यसभा का अप्रूवल इज एनफ विद कंडीशन कि लोकसभा के बनने के 30 दिन के अंदर अप्रूवल चाहिए होगा। आज लिखने का काम ज्यादा है और स्पीड भी, मैं चाहूंगा आप लोग पकड़ के चले। यस आयुष्मान,
चलें आगे. इफ अप्रूव्ड, अप्रूव नहीं हुई तो खेल ही खत्म हो गया, इमरजेंसी हट गई, वापसी आ गया सब कुछ. नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months. And needs re-approval every 6 months. ये जो सेकेंड वाला क्लॉज है ना, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, क्यों मैंने क्लाउड वाला बनाया, बड़ी मेहनत लग रही है, गोला ही सही था, पूरा कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं. Added by 44th Amendment of 1978. पहले क्या होता था, नेशनल इमरजेंसी अप्रूव हो गई 2 महीने के अंदर, एक बार वो अप्रूव हो गई ना तो फिर वो चलती रहेगी. अब क्या है कि हर 6 महीने में फिर से एक बार अप्रूवल चाहिए होगा. आफ्टर एवरी, हाँ आफ्टर लगा सकते हैं बिल्कुल. वैसे नीड्स अप्रूवल के साथ आफ्टर नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा. नीड्स अप्रूवल एवरी आर ऐसा एवरी मंथ आई थिंक ठीक है, बाकी आप बेटर जानते हैं. यस मयंक, सब नॉर्मल हो जाएगा, इमरजेंसी माना जाएगा कि हट चुकी है. चलें आगे. अभी जो अप्रूवल लिखा गया है, इस अप्रूवल का क्या मतलब है? अप्रूवल मीन्स क्या? ये जो मैंने लिखा ना अप्रूवल, निधि जी सब बताऊंगा, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो. अप्रूवल का मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं. अप्रूवल मींस पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस वन और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वन, विच एवर इज हायर. ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता था, सिंपल मेजॉरिटी होता है हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वन. एग्जाम्पल दूंगा क्यों ये स्पेशल है, पहले आप इसे छापो. राहुल जैसा आपने सोचा है एग्जैक्टली वैसा ही है. देखिए इमरजेंसी से ना देश पूरे तरीके हिल के, मतलब हिल जाता है, आप ऐसा समझिए. तो वो तभी लगाई जाए जब सच में जरूरी हो, ऐसा नहीं कि बस लगा दी, इसलिए ऐसा करा गया है. तो जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है. हाफ ऑफ टोटल और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वन. अब मैं बताता हूं कि एक्चुअली कैसे काम करता है. उससे पहले मैं ये बता देता हूं, ओरिजिनली सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती थी. अब आप खुद ही गैस करेंगे जी, सिंपल से स्पेशल पे कौन से अमेंडमेंट से हुआ होगा. जी हाँ, सही जवाब 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978. अब जब तक आप इसे छाप रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा कि सिंपल और स्पेशल में क्या फर्क है. देखिए मान लेते हैं एक हाउस को ऐसा भी लोकसभा पकड़ लिया, उसमें टोटल जो लोग हैं, टाइम पीरियड का मतलब क्या है पूजा जी, टाइम पीरियड का मतलब बताइए. टोटल मान लेते हैं उसमें 100 लोग हैं, तो अगर सिंपल और ये टोटल है और आज प्रेजेंट जो है मान लेते हैं किसी वजह से है सिर्फ 40 लोग, तो अगर सिंपल मेजोरिटी लगनी थी तो 21 लोगों ने हाँ करी और लग गई. सिंपल तो इतना सा है भी जितने आए हैं आधे से ज्यादा, बट इमरजेंसी जैसी चीज अगर इतने से लोग मिलकर डिक्लेयर कर देंगे तो रिस्की शॉट है. नहीं प्रद्युमन, वो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 है, पूरे तरीके अलग चीज है. तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है,
देखा जाएगा कि जो टोटल है उनके आधे से ज्यादा, तो पहला जो क्लॉज हमने पिछले पेज से तो 51 निकल गया है, बिल्कुल सुमैया, और यही होता भी है, आज भी होता है कई बार ऐसा। दूसरे क्लॉज के हिसाब से अगर 40 यहाँ पे लिखा है तो इसका दो तिहाई कितना हुआ 40 का? मदद करो भाई, मेरी मेरी मैथ तो कमजोर है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं बताओ 80/3 कितना हुआ? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1, 27, तो करीब 27 लोग हो गए। अब इनमें से ज्यादा कौन सा है? ये तो कम से कम 51 लोग चाहिए होंगे। अब टोटल आए ही 40 है, तो अगर 40 के 40 भी हाँ कर देना तो भी पास नहीं होता, सोच के देखो, क्योंकि 51 की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा केस पकड़ते हैं इसी में कि टोटल 100 थे, आ गए 90, तो पहले क्लॉज से तो 51 ही निकल के आएगा, हाफ ऑफ टोटल प्लस 1, दूसरे से आएगा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग 61, तो इस बार 61 लोग 90 में से हाँ करेंगे तो जाके ये इमरजेंसी लगेगी। समझ रहे हैं, ये बैलेंस कर रहा है। अगर कम लोग आए हैं तो वैसे भी लगने के चांसेस कम हो गए क्योंकि पहला क्लॉज भारी पड़ गया, अगर ज्यादा लोग आए हैं तो टोटल मेंबरशिप से मतलब नहीं है, तो फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो पावर है उसके हिसाब से चलेगा। रिपीट करो, देखो फिर से बताता हूँ। मान लेते हैं एक हाउस में 500 लोग हैं, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 100 ही मान लेते हैं। टोटल आए हैं यहाँ पर, टोटल हो गए जी 100, प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गए 50, दूसरे केस में प्रेजेंट वोटिंग हो गए 10, तीसरे केस में हो गए 90, तो इस केस में जो आंसर निकल के आएगा वो पहले क्लॉज से तो 51 ही आएगा ना सब में, दूसरे क्लॉज से आएगा 2/3 ऑफ दिस नंबर, 2/3 ऑफ दिस नंबर कितना हो गया 33, 34 आ गया, 2/3 ऑफ दिस नंबर ये आ गया आपका 7 के आसपास, 2/3 ऑफ दिस नंबर आ गया 61, तो इसका मतलब मेजर ये काम करेगा, ये काम करेगा और ये काम करेगा। तो देखो यहाँ पर तो इमरजेंसी अब लगी नहीं सकती, टोटल 50 आए 51 चाहिए, टोटल 10 आए 51 चाहिए, अब यहाँ पर 100 में से 90 आए, अब इस 90 में से 61 लोग हाँ करेंगे तभी लगेगी, यानी स्पेशल मेजोरिटी से कुछ भी पास कराना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए वो स्पेशल है। यहां तक आप समझ पाए तो मैं आगे चलता हूं, पक्का सब समझ आ रहा है? अब इमरजेंसी तो लग गई, इमरजेंसी लगने के जो भी हमने पूरी बातें थी वो सब अच्छे से समझ ली, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, रिवोकेशन मतलब रिमूवल, कि लग गई अब क्या, कौन करेगा जी, जो लगाएगा वो हटाएगा। रक्षा जी क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके लिए तो प्रीवियस ईयर आप एक बार देखिएगा, मैं फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूँ प्रीवियस ईयर में जितने सवाल यहाँ से आए आप सब बना देंगे, आप ट्राई करके देखिएगा, हर लाइन से सवाल बनते हैं। आपके पास जब फुर्सत हो एक बार पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी ये टॉपिक यूपीएससी लेवल पे पढ़ के देखिएगा, करिएगा ट्राई, अच्छा लगेगा आपको, और फिर आपका दिल जानेगा कि क्या क्या सच में कोई खास फर्क है। हाँ डेफिनेटली कुछ केसेस वहां ज्यादा डिस्कस होंगे बिकॉज पेपर की डिमांड है, बट लार्जली सब कुछ मैं आपको यहीं पे पढ़ा के चल रहा हूँ। बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे नो परमिशन ऑफ पार्लियामेंट नीडेड, ये अच्छा क्लॉज है, ऐसा लगाने के लिए चाहिए कैबिनेट का लिखित में प्रूफ, हटाने के लिए कुछ नहीं, प्रेसिडेंट का मन है हटा दो। बट एक और प्रॉब्लम है कि अगर प्रेसिडेंट ही जिद पे आ जाए तो, वैसे ऐसा कोई क्यों करेगा बट मान लो, तो रिस्की शॉट हो गया ना, तो उसके लिए भी एक क्लॉज ऐड कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के अंदर। क्या ऐड कर दिया गया सुनो, इफ लोकसभा डिसाइड्स दैट नेशनल इमरजेंसी शुड बी रिवोक्ड, मैं रिवोक शब्द इसलिए बार बार लिख रहा हूं बिकॉज पेपर में ये शब्द आएगा, प्रेसिडेंट हैज टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, और ये डिसाइड कैसे करेगी, सिंपल मेजोरिटी, यानी ऑपोजिशन का भी यहां पर बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि सिंपल में तो ऑपोजिशन भले ही थोड़े से हैं, ऑपोजिशन है तो थोड़े होंगे एज कम्पेयर टू रूलिंग गवर्नमेंट, बट उनका भी वोट काउंट करेगा ना, यानी लगाने के लिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो लोकसभा की स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी, बट हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा की सिर्फ सिंपल मेजोरिटी, यानी वो खुद पुश कर रहे हैं कि हटा दो जितनी जल्दी हो पाए, क्यों, क्योंकि आम जनता के लिए बहुत दिक्कत है ना, आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, आम जनता के लिए तो जीवन पूरा जो है तबाह हो जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी ओनली, ये रेगुलर लाइफ नहीं हो जाए, इसकी वजह से ये सारे क्लॉसेस ऐड करे गए हैं।
नहीं है सुमैया जी, जैसा लिखा गया वैसा ही है, यानी फॉर रिवोकेशन ओनली लोकसभा की ओनली सिंपल मेजोरिटी। यस प्रद्युमन, अगर वो 6 महीने पूरे हो गए तो वैसे ही हट गई, यानी हर तरीके से प्रद्युमन कोशिश करी जा रही है कि इमरजेंसी हट जाए, जो कि एक अच्छी बात है। और फॉर पूजा जी सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, जो जो है सब लिखवा दूंगा, वैसे नहीं है ऐसी कोई लिमिट, फिर भी जो जो है सब लिखवा दूंगा। फॉर अप्रूवल लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ की स्पेशल मेजोरिटी। इंटरेस्टिंग है पॉलिटी, अरे हमारी भी कोई तारीफ कर दो, पढ़ाने वाला भी थोड़ा तो मेहनत कर ही रहा है। अरे नहीं नहीं हंसी मजाक की बात है बस, पॉलिटी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा रिलैक्स कराने के लिए बोल रहा हूँ। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी पढ़ के देखना, सच में बड़ी अजीब सी है, मतलब वो ही पढ़ सकता है, वो ही समझ सकता है जो सिर्फ पॉलिटी पढ़ता है। बिल्कुल सही शिवाजी, बिल्कुल सही आपने सोचा है। ऐसा क्लॉज नीरज ऐड नहीं करा गया, मतलब ये नहीं लिखा गया है कहीं, तो आई थिंक नो। जो क्लॉजेस है ना, मैं अपने पास से नहीं बना रहा, संविधान को पढ़कर वहीं से निचोड़ निकाल रहा हूं मैं। बाकी सोच आपकी अच्छी है, बाकी आई थिंक नो। चलें आगे। अब 44th अमेंडमेंट ने देखो एक और क्या कमाल करा, मैंने लिखा है लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ की स्पेशल मेजोरिटी, ऊपर लिखा है ओनली लोकसभा की ओनली सिंपल मेजोरिटी, नीचे फॉर अप्रूवल। ठीक है ठीक है, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, इफ टोटल मेंबर्स, ये ध्यान से समझना, ऑफ लोकसभा जो भी होंगे टोटल मेंबर्स डिवाइड बाय 10 गिव रिटन नोटिस टू स्पीकर रिगार्डिंग द रिवोकेशन, अ स्पेशल सिटिंग, एक मीटिंग मान सकते हैं, इज कॉल्ड विद इन 14 डेज फॉर प्रूविंग मेजोरिटी। सब बताएंगे सब बताएंगे, सही समय आने पर सब बताएंगे। यानी ऐसा मान लो कि अगर 550 लोग लोकसभा में है ना, सिर्फ 55 लोग भी कह दें कि ये हटनी चाहिए, तो स्पीकर की मजबूरी है मीटिंग बुलाना। और अगर उस मीटिंग में सिर्फ 200 लोग आए, तो 101 लोगों की हाँ करने पे भी इमरजेंसी हट जाएगी। तो ऐसे में कुछ भी करके ना, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कोई भी एमपी एबसेंट नहीं होता, बिकॉज रूलिंग गवर्नमेंट मान लेते हैं नहीं चाहती हटाना, तो वो चाहेगी कि अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि दूसरी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके वोट में जान कम हो जाए। उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज वी चोज द गवर्नमेंट सो दे शुड हैव द राइट टू वर्क, तो उन्हें उनके हिसाब से चलने का अधिकार होना चाहिए। नोट करा आपने? स्पीकर ऋषभ जहां भी लिखा है ना लोकसभा वाला है, वो चेयरमैन होते हैं बिकॉज राज्यसभा के। अब लोकसभा की नॉर्मल लाइफ 5 साल होती है, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा, जनरली लोकसभा 5 साल की होती है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। क्या ये सही चीज है? ये बहुत बढ़िया चीज है। आप सोचो कि इमरजेंसी चल रही है, वॉर हो रहा है, और 5 साल पूरे हो गए, इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, तो फिर कैसे कोई फैसले लेगा?
प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज ऐड करी गई है। इसीलिए एक एक साल आगे बढ़ाते रहेंगे। बट मान लेते हैं एक साल आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के 2 दिन के बाद इमरजेंसी खत्म हो गई, तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। दिस लोकसभा जो चल रही थी ना एक्सटेंडेड वाली, हैज टू बी डिसॉल्व विद इन 6 months ऑफ रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। समझ गए? जैसे मान लेते हैं आज लोकसभा का टर्म पूरा होना है और नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो आज फैसला हुआ कि अब एक साल बाद तक लोकसभा चलेगी, और परसों इमरजेंसी खत्म हो गई, तो परसों से 6 महीने के अंदर लोकसभा खत्म करनी होगी, जो कि सही बात है भाई, जब सब खत्म हो गया तो फ्रेश इलेक्शंस कराओ। बस नेशनल इमरजेंसी पढ़ाऊंगा इस क्लास में, फिर फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो। ऋषभ, टेक्निकली यस, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत बढ़िया विषु, सीखते रहिए ऐसी। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 358। जैसे ही आर्टिकल 358 लागू हो जाएगा, मान लेते हैं आर्टिकल 358 लागू हो जाता है, इसके लगते ही, देसी भाषा लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम बहुत हाई लेवल चल रहे हैं एसएससी से, बट जरूरी है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। ये क्या है मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाने, आपके नोट्स जाने, बट आर्टिकल 358 लगता है ओनली एट द टाइम ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। थ्री फिफ्टी एट के बारे में बताया है, एक सजेशन है, 358 को होमवर्क में रीड कर लेना, मेरे कहने से संविधान है ना, एक बार पढ़ लेना, अच्छा लगेगा पढ़ के। ऐसी 359 भी पढ़ लेना। नोटेड, आर्टिकल 359 लिख लो, कोई रह गया हो तो। हाँ हाँ चिंता मत करो, आराम से लिख लो। आयुष्मान, इस आर्टिकल की एक बार आप डेट बता सकते हैं जो आपने मुझे भेजा है? आगे चलते हैं, आर्टिकल 359 ये क्या है, इट डज नॉट सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट्स। बट टेक्स अवे the power to go to courts। बस ऐसे ही लिख दिया है, एक बार रीड करोगे आर्टिकल 359 समझ जाओगे। इसमें होता क्या है, देखो 358 में तो डायरेक्टली 19 जाएगा, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड्स विच राइट्स टू सस्पेंड। समझ पा रहे हैं? देखो 358 लगा तो 19 गया, बट 359 लगने से कोई नहीं गया, लेकिन इसके लगने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट जाना चाहिए, यानी इसके अंदर कोई आर्टिकल का नंबर नहीं लिखा हुआ। राइट्स अंडर आर्टिकल्स 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन नेशनल इमरजेंसी। ठीक है आयुष्मान, एक्चुअली वो जो सवाल है वो करीब 5 या 6 साल पुराना है, तो मे बी रिसेंट रिसर्चेस से एसोसिएटेड हुई है चीज, मैं एक बार इसे और स्टडी करता हूँ एंड नीड हुआ तो कल की क्लास में मॉडिफिकेशन करा देता हूँ। आयुष्मान बताए क्या दिक्कत थोड़ी सी कहाँ पर आती है, बहुत बार
हमारी जो किताबें अभी पुराने जमाने पे चल रही है, इसका क्लासिक एग्जांपल है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। हमारी एनसीईआरटी बिल्कुल ही कुछ और कह रही है, और आप वैसे पढ़ोगे बड़ी किताबें उसमें बिल्कुल ही कुछ और है। हैविंग सेड दैट, एक बार इस सवाल का कल मैं प्रॉपर डिस्कशन कर लूंगा और मैं लिख भी लेता हूँ, बिकॉज इवन इफ द ऑप्शंस आर मार्क्ड मेड इनकरेक्ट वी शुड एटलीस्ट डिस्कस दिस इन द क्लास। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, एक बार डिस्कस कर लेंगे इसे। बाकी अच्छी बात है कि आपने इसे मेहनत करके रिसर्च करी है इस पे, इससे पता लगता है कि आप सीरियस हैं चीजों को लेके, जो कि मुझे देख के काफी खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका डिस्कशन कर लेंगे, आप चिंता ना करें। यहां तक आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? 359 की बात आप समझ गए दोस्तों? यहां पर ये जो है क्लास कंक्लूड करता हूं मैं, क्योंकि इससे अगला टॉपिक जो है मैं बिल्कुल देख लूंगा आयुष अभी। इससे अगला टॉपिक प्रेजिडेंट रूल है, जो मैं आपको आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। देखिए, एक वादा आप मुझसे नहीं खुद से करिए, खुद से तोड़ेंगे तो अपने लिए तोड़ेंगे। क्लास 11 तक का सारा पोर्शन स्लाइड अभी दिखा दूंगा, पहला कंप्लीट करूंगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो, दूसरा याद या रट्टा मारूंगा, याद करूंगा या फिर रट्टा मारूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं देखो सब कुछ ही समझ आ जाए। मैं मानता हूं कुछ चीजें हैं ऐसी बोरिंग, क्या कर सकते हैं। अब 359 जो है सो है, रट्टा ही मारना पड़ेगा, अपने को क्या पता 358 359 क्या है। होता है भाई, चलो हम एजुकेटर्स हैं, हमें इतने साल हो गए बैठे हुए तो हमें पता है भाई क्या फर्क है। बच्चे के लिए तो नया ही है ना, तो अगर कोई चीज ना भी समझ आएगी तो हम उस पर रट्टा मार के जाएंगे, बट छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या ये वादा आपने खुद से करा? अब मैं आपसे मिलूंगा जनवरी में, वैसे तो कल परसों मेरी क्लास है, फिर भी आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से 2024 में मेहनत करिए, 2023 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने नौकरी ली है, आपके लिए भी नौकरी इंतजार कर रही है, विश्वास मानिए। निगेटिविटी से दूर रहिए कि वैकेंसी कम है ज्यादा है, ये सब बातें मत करिए। ठीक है, जो है सो है, जो है सो है, बस अपने को उसी में से नौकरी लेनी है। ठीक है, अपने आपको कमजोर बिल्कुल मत मानिए। आप सबको नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट आपको आने वाले समय के लिए, मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, और चिंता मत करिए, साथ हैं बहुत समय से, अब भी साथ ही रहेंगे, जब तक पॉसिबल तब तक साथ रहेंगे। ठीक है, आप सबको ऑल दी बेस्ट, और अब आपसे वैसे मैं मिलूंगा कल 8 बजे परसों सुबह। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं डाउट्स देख लेता हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है। ठीक है, मैं इस बारे में थोड़ा और स्टडी करके कल आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस सवाल को, जो जाना चाहे जा सकता है। सिर्फ एक दो डाउट्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो मैं ले रहा हूँ एसएससी मेडिकल में। ऋषभ जी, चश्मा पहनने के बाद आपको सही दिखता है, मतलब नॉर्मल है? जैसे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है तो मेरे को सही दिखता है, बस बिंदास रहिए, चिंता मत करिए, आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बस कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट एक बार करा लेना। किसे नहीं लगा चश्मा? आजकल चश्मा बस उन्हें ही नहीं लगा, अच्छा पर्सनली कोई मत लेना, अधिकतर केस में चश्मा उन्हीं को नहीं लगा जिन्होंने चेक नहीं कराया, जिसने चेक करा लिया उसके चश्मा लग गया, ट्राई करके देख लो। नहीं नहीं बहुत, अगर आप सेफ है तो बहुत बढ़िया, ये तो एक चश्मे वाला इंसान दूसरे चश्मे वाले इंसान के साथ एक चुटकुला शेयर कर रहा है, अगर आप सेफ है तो बहुत अच्छी बात है, हरी सब्जियां खाइए। ये क्या है सीटीएम, में समझा नहीं, बहुत बढ़िया, जिसे चश्मा नहीं लगा बहुत बढ़िया, बस मेंटेन करिए अपनी आंखें, बहुत अच्छी बात है। आप ऑफिशियल फटाफट कमेंट करिए। आप शायद अभी क्लास में नहीं है, यस। रक्षा प्रेसिडेंट से जुड़े दो बातें हमने करी है, एक हमने करी है गवर्नर जब प्रेसिडेंट को भेजेगा वहां नहीं दूसरी जगह लिखना है। आप सब लोग होमवर्क ले लो ना एक, चलो क्यों इतना शॉर्टकट ढूंढते हैं, मैं आपकी मदद करता हूं ना, देखो होमवर्क रीड आर्टिकल 111, बस सभी के लिए होमवर्क है। अच्छा चैनल का नाम है, ठीक है ठीक है,
कोई बात नहीं, चलेगा। अगर वो टॉपिक के सवाल है ऑफिशियल तो आप लगा सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर भी देने हैं। यानी देखिए, हम ऐसा हम वन के साथ टू एडिशनल कर सकते हैं सीखने को अगर हमें मिल रहा है, बट प्रीवियस ईयर भी देने हैं क्योंकि 25 ही सवाल है, वी कैन डू, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आप क्लास में आई थिंक नहीं है, मे बी कुछ रीजन होगा, जो भी है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी का एक और डाउट है, वो मैं देख लेता हूँ। अंजलि जी ने छुपके से जो है डाउट सेक्शन में ऐड कर दिया था जब मैंने आधे एक मिनट के लिए जो है डाउट सेक्शन खोला था, तो अच्छी बात है, आप चालाक हैं तो आपको थोड़ा फायदा तो मिलना ही चाहिए। नहीं, अगर आप दिन में मैथ्स कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, तो प्रैक्टिस ही तो है वो, और क्या है, तो प्रैक्टिस ही चल रही है। सुबह इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। देखिए, सबसे पहले अंजलि जी लेता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 200 में से आपके 60 नंबर आ रहे हैं, आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? ये जो आपने पूरा भेजा, कितना टाइम से आप ऐसा कर रहे हैं? अगस्त से कर रहे हैं। सिलेबस आपका पूरा है? मैथ्स में आपके कितने नंबर आ रहे हैं? आप कह रहे हैं जी मेरा एडवांस बचा हुआ है, बची हुई है। देखिए, सिलेबस को ढंग से पढ़िए, मैं आपको कोई सांत्वना वगैरह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपने अगस्त से ही तैयारी करी है तो अभी आपको थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। आप आगे चलेंगे तो पूरे चांस है कि आप अगले 6 महीने में अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर पाएंगे, बट अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप ढंग से पढ़िए, मतलब एक ही लाइन में उसमें आपको कह रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़िए कि उसके सवाल सही होने चाहिए। कि अगर आप अगस्त से अब तक मैथ्स रोज 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, मैं आपको यही कहूंगा। अभी के लिए मैं इतना ही बस आपको सजेशन दे सकता हूं, और कुछ कुछ समय आप बीच बीच में आया करें क्लास में, अपना डाउट फिर से आप पूछा करें। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है, पढ़ना ज्यादा है, और एक प्रॉपर प्लान लेके प्रॉपर कोर्सेज आपको लगाने हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की करनी है। ठीक है, बाकी आपको ऑल दी बेस्ट। अभी ना ही हाँ है ना ही ना है, अगले 6 महीने में कैसी मेहनत करते हो अंजलि, उस पर डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो नहीं, प्रैक्टिस आप अंजलि जी कर तो रहे हैं। अगर आप मैथ्स दिन में 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो वही तो प्रैक्टिस है। आप जब क्लास लगाते हैं अंजलि, तो उसके बाद जो है देखो, सुनो मेरी बात, सबसे पहले जो पढ़ रहे हो उसे उसकी अगली क्लास देखने से पहले पिछली क्लास को रिवाइज करना है, ये रूल है, फिक्स कर लो। यानी अगर आपने मैथ्स में किसी एजुकेटर से एक क्लास में 40 सवाल सीखे, तो अगली क्लास से पहले वो 40 के 40 सवाल आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हो गई प्रैक्टिस, हो गई ना उसकी 40 की प्रैक्टिस। फिर अगली क्लास का यही सीक्वेंस चलाना है, हफ्ते में एक दिन क्या करना है, जब वो 200-250 सवाल हो गए तो उनकी फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरीके चीजों को आगे बढ़ाना है। सेम चीजें बाकी सब्जेक्ट के लिए है, जीके के लिए आप मेरी जो स्पेशल क्लासेस है उन्हें आप लगाइए, उससे उम्मीद है आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इंग्लिश के बारे में मैं कुछ खास नहीं बता सकता, इंग्लिश आप खुद कर रहे हैं, वैसे ही आप जैसा कर रहे हैं करते रहिए। ठीक है, रक्षा जी, इसका आंसर मैं कभी नहीं देता, ना ही आप ये सवाल मुझसे कभी 2024 में पूछिएगा। मैं ऐसे सवालों के आंसर बिल्कुल नहीं देता कि सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल गलत हैं और मैं गलत इंसान हूं इनका आंसर देने के लिए। कैसे होगा, जब ये पूछना हो तो बात करिएगा, होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जाने, आपके ऊपर है ना ये, तो मैं कैसे बता दूं। चलिए, आप सबको ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आप सबसे कल शाम को 8 बजे। थैंक यू एंड गुड नाइट।